नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत होंगे। राजधानी दिल्ली के कंझावला इलाके में शासन और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह हो गया है कि यहां के लोग नारके जीवन जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के मान तो पिछले कई वर्षों से आवाजाही वाले रास्ते पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली के कंझावला में जलभराव की समस्या के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह हो गया है कि यहां लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दरअसल कंझावला वार्ड 32 में शासन और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। कंझावला वार्ड के महावीर विहार में सड़क पर जलभराव की तस्वीर इसी बात की नजीर पेश कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो जिस जगह पर जलभराव है वो आम जन की आवाजाही के लिए रास्ता है, लेकिन जलभराव के कारण ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तस्वीर बीते करीब 10 सालों से बनी हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन इस पर कोई सुध नहीं ले रहा है, नतीजतन तस्वीर जस की तस बनी हुई है। ये पानी इसी तरह भरा रहता है और हमेशा भरा रहता है, इसलिए बच्चे खेलते खेलते कई बार गिर गए, फिर निकालते हैं उनको और कई लोग तो यहाँ चले गए इसी चक्कर में कि पानी जो भरा हुआ है। मैन गली है, फिरनी रोड बना हुआ है, नक्शे में आया हुआ है, लाल डोरे में ही है और इसकी कभी सुनवाई नहीं होती, कई बार कंप्लेंट कर दी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी आज तक। कब से, कितने समय से है ये? हो गया 10-12 साल। ऐसे ही है कब से है कि 10-12 साल से इसमें पानी लगे हुए हैं और बच्चे खेलते खेलते कभी कभी रुक जाते हैं इसमें बच्चे, और ये कभी कितने भी शिकायत किए हैं आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। ये मेन फिरनी रोड है, तो मतलब शिकायत करने वाले कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। पानी ऐसे भरा रहा है, पानी हमेशा ऐसे ही भरा रहता है, इससे ज़्यादा हो जाते हैं कम नहीं होते पानी आने पर। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां जलभराव के कारण कई बीमारियों को भी दावत मिल रही है और जब आने वाले दिनों में मानसून दस्तक देगा तो यहां डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ लोगों ने तो एमसीडी की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय निवासी ने कहा कि वैसे तो एमसीडी आम जन का चालान काटने पहुंच जाती है, लेकिन जब बात सरकारी विभाग के लापरवाही की हो तो एमसीडी का रवैया भी सुस्त हो जाता है। कुछ लोगों ने तो संबंधित विभाग के चालान काटने की बात भी कर डाली। आसपास के लोगों ने यह भी बताया कि कई बार जलभराव के कारण बच्चे दुर्घटना का भी शिकार हो चुके हैं, जिसके कारण कई लोगों ने यहाँ से पलायन भी कर लिया है। ये पानी को भरे हुए 10-15 साल से ऊपर ही हो गए हैं। हाँ, वो ऊपर होएगा। और पानी का निकासी नहीं, पानी का निकासी नहीं है बिल्कुल भी कहीं पर भी। और जब एमसीडी वाले हमारे घर के आगे पानी भरा रहता है तो चालान काट देते हैं, यहाँ पर 15 साल से पानी भरा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और इससे इतनी बीमारियां फैल रही है तब जाके, तो तब भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही हालत में इस पे कोई भी ना कभी इस पे दवाई डलती है, ना इसको कभी साफ किया जाता, ना खाली किया जाता, कुछ भी नहीं होता इसमें। यहाँ पे मैं बैट बॉल खेल रहा था। अच्छा। तो इधर मेरा पैर भी फिसल गया एक बारी, मैं बच गया गिरते गिरते भी। और इधर इस पानी से बीमारी भी होती है, घरों में पानी पूनी भी घुसता है और मच्छर भी होते हैं, बीमारी करते हैं जो भी आ जाते हैं। ये पानी कई सालों से है ऐसी है, इसका कुछ इलाज नहीं होता। बहरहाल दिल्ली के इस इलाके में शासन और प्रशासन का न केवल सुस्त रवैया देखने को मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही भी साफ देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है, या फिर यूं ही स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर रहेंगे। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में फिर से सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है।
दरअसल करोलबाग निगम जोन के अंदर कर्मचारी और आप पार्षदों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां एक और एमसीडी कर्मचारी का कहना है कि आप पार्षद ने उनके साथ बदसलूकी की है, तो वहीं दूसरी ओर आप पार्षद ने सरकारी कर्मचारी पर उगाही जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के करोलबाग निगम जोन के अंदर निगम के कर्मचारी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद अंकुश नारंग ने एमसीडी के डीसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्डिंग माफियाओं से एमसीडी के कर्मचारी उगाही कर रहे हैं, और इस भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने करोलबाग जोन के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं करोलबाग जोन के कर्मचारियों ने निगम पार्षद अंकुश नारंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। दोनों का अपना अपना एक दूसरे पर आरोप है। निगम कर्मचारी ने कहा कि जब तक पार्षद माफी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। वजह उसकी बदतमीजियां हैं। वो एकदम सरेआम मेयर साहिबा के कमरे में उसने सरेआम हमारे डीसी को बेइज्जत किया, यही सबसे बड़ी वजह है। वो तो फिर किसी को समझेगा ही नहीं जब डीसी को ही कुछ नहीं समझ रहा। हम तो कह रहे हैं कि भाई कोई बिल्डर माफिया के साथ मिला है, पकड़वाओ उसको। हम कब सहारा दे रहे हैं उनको, और यही मिले हुए हैं। हमें तो सुनने में यही आ रहा है, वो यही लोग कहते हैं कि यही मिले हुए हैं जी। वो तो क्या उस मीटिंग के अंदर जहाँ तक मैंने सुना है उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर कोई जेई यदि मेरे एरिया में घुस गया तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। अरे भाई जेई तो अपनी ड्यूटी करने जाएगा ही, उसको तो अलॉट किया हुआ है एरिया, वो तो अपने एरिया के अंदर जाएगा ही। हमारी सबसे पहली मांग है कि ये अपने आप को तमीज़ में रखें, ये अपने आप को ठीक रखें। ये हमारे ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, ये हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ बदतमीजी करते हैं। इन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, मिस्टर नारंग ने शपथ भी नहीं ली थी। उससे पहले हमारा कोई इंस्पेक्टर वहाँ पर पटेल नगर में कुछ रेडी पटड़ी पे कुछ उठाने के लिए रेड पटड़ियों को साफ करने के लिए गया था, तो उसने उसका बहिष्कार किया और बदतमीजी की। हमारा सिर्फ यही कहना होता है। अभी ये आपने एक क्वेश्चन किया कि भाई ये क्या नाम कह रहे हैं कि बिल्डर माफिया से मिले हुए हैं। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा कोई भी इंजीनियर किसी भी बिल्डर माफिया से नहीं मिला हुआ, और अगर मिला हुआ है तो यहाँ के पार्षद मिले हुए हैं, वो सारे के सारे इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। हमारा कोई भी इंजीनियर इस काम में इन्वॉल्व नहीं होता है। हमारा हर इंजीनियर बड़ी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ काम करता है। इस बिल्डिंग को छोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको तोड़ दो, ये करते हैं, हम नहीं करते हैं। फंसाने वाले ये हैं, हम नहीं फंसते हैं। एमसीडी कर्मचारियों का कहना है कि डीसी के साथ आम आदमी पार्टी के पार्षद ने अभद्र व्यवहार किया। उनके साथ कर्मचारियों के साथ लगातार वे अभद्र व्यवहार करते हैं, और इसी के चलते उन्होंने प्रदर्शन भी किया। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद ने डीसी पर बिल्डरों से निगम कार्यों में उगाही का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। आप पार्टी के पार्षद अंकुश नारंग ने कहा कि जब तक डीसी का ट्रांसफर या बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी जोन की मीटिंग के अंदर हम 11 के 11 पार्षद ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट आज से पहले बिल्डिंग माफिया जो ऑपरेट करता है यहाँ पे, बिल्डिंग माफिया और इन सारे अफसरों की सेटिंग है आपस में। नीचे जेई से लेकर प्राइवेट मैट इन्होंने लगा रखे हैं, जेई एई एक्सीएन आगे एसी डीसी सबकी साठगांठ है, और डीसी तो परमानेंटली ये चीज देखता है कि कहाँ से वसूली आ रही है, कहाँ से किस वार्ड से वसूली नहीं आ रही है। उसकी कई बिल्डिंगें हैं, हमने आवाज उठाई कि जहां से अवैध वसूली करते हैं। हमारा प्रश्न सिर्फ एक है, 5 महीने हुए हैं हमें आए हुए, और ये बिल्डिंग माफिया इतना ऑपरेटिव है, इनके साथ पूरी गठजोड़ बना के बैठा है ऑफिसर्स के साथ, और जितने पिछले 5 साल में जब भाजपा थी हमारे इलाकों के अंदर, इन्होंने कितनी बिल्डिंगों के ऊपर नोटिस भेजे और पिछले 5 महीने में कितने नोटिस भेजे, ये जायज़ बात है, ये मांगने का अधिकार है। दूसरी बात, इन पिछले 5 महीनों में इन्होंने कितनी बिल्डिंगों पर एक्शन लिए और पिछले 5 वर्ष के भाजपा के कार्यकाल में कितने एक्शन लिए थे। तीसरी बात, इन्होंने पिछले 5 वर्ष में कितने नक्शे पास करवा के बिल्डिंगों को बनवाया है। देखिए डीसी के पास एक भी जवाब नहीं है इस बात का, सुनिएगा मेरी बात। आम आदमी पार्टी बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमें जनता ने चुन के भेजा है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जब हमारे क्षेत्रवासियों के लेंटर पे जब हथौड़े चलते हैं और वो लीगली बना रहे होते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि वो इनके जेई को, इनके डीसी को, एसी को पैसे नहीं देते। अगली खबर,
बीते रविवार की शाम को दिल्ली की आईटीओ में सुरों का अनोखा संगम देखने को मिला। दरअसल मौका था, यहाँ पर नारी शक्ति को सम्मानित करने के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर एक से एक कलाकारों ने अपने सुरों का जलवा दिखाते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान सोनोटेक कंपनी के बैनर तले एक गाने की भी लॉन्चिंग की गई। राजधानी दिल्ली के आईटीओ स्थित प्यारेलाल भवन में रविवार को सुरों का अनोखा संगम देखने को मिला। राजधानी दिल्ली के आईटीओ स्थित प्यारेलाल भवन में रविवार को सुरों का संग्राम देखने को मिला, जहां एक के बाद एक कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाते हुए सुरों से एक अनोखा समापन दिया। दरअसल मौका था जब सुर झंकार कल्चर सोसाइटी द्वारा नारी शक्ति अवार्ड के कार्यक्रम के माध्यम से समाज में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाली नारियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कई संगीतकारों ने अपनी आवाज से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस मौके पर सामाजिक और राजनीतिक जगत के कई प्रतिष्ठित चेहरे भी उपस्थित हुए, जिन्होंने नारियों के सम्मान में इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। तमाम अतिथियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में अन्य लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सोनोटेक कंपनी के बैनर तले दो गानों की भी लॉन्चिंग की गई। अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है, और नारियों का सम्मान आज से नहीं सदियों से होता रहा है, और आज जिस तरीका से इस संस्था ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छा रहा है, और नारियों को हर क्षेत्र में हर फील्ड में नारियों ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो उसके लिए सम्मान भी बनता है। किसी के लिए अगर कोई प्रोग्राम किया जाता है और खासकर माता बहनों और नारी शक्ति के लिए, तो उससे पता चलता है कि अगर कोई बेटी बाहर निकलकर एक मुकाम हासिल कर रही है और जब उसको सम्मान मिलता है तो दूसरे लोगों तक भी एक मैसेज जाता है कि इसके फैमिली मेम्बरों ने इस बच्चे को बाहर जाने दिया। जिस तरीका से आज हम रूढ़िवादी जमाने से बाहर निकल रहे हैं, और आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो रूढ़िवादी जी रहे हैं, तो जो अपनी बेटियों को या अपने घर से अपनी मातृशक्ति को बाहर भेजते हैं कुछ करने के लिए, और जब वो मुकाम हासिल होता है और उसके बाद उनको सम्मान मिलता है, तो दूसरे लोगों तक भी एक मैसेज कन्वे होता है। नारी का सम्मान तो देवताओं ने भी कहा है कि नारी पहले भी पूजनीय थी, आज भी पूजनीय है और हमेशा पूजनीय रहेगी, लेकिन मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ। इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, सफल आयोजन के लिए बधाई देती हूँ, और नारी के लिए इस तरीके के सम्मान के जो अवसर हैं वो हमेशा होते रहने चाहिए, क्योंकि नारी को मैं एक यहाँ से मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पंख दें, उड़ान दें, और शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दें, सिखाएं, ताकि बच्ची बाहर निकलते वक्त बिल्कुल डरे ना, निडर होके आगे बढ़े। तो इससे हम ये बताना चाहते हैं जनता को कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए।